नमस्कार, CNN न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। अभी तक आपने कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी में बात करते हुए देखा होगा। आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिन बच्चों को देख रहे हैं, वे शिक्षा क्षेत्र कोपागंज 2 के प्राथमिक विद्यालय कोपागंज के बच्चे हैं, जो इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत लगाए गए प्रदर्शनी में अपने प्रोजेक्ट के साथ प्रतिभाग किया। यही नहीं, ये बच्चे अपने स्टॉल में लगाए गए प्रोजेक्ट को बाकायदा अंग्रेजी में समझा रहे हैं कि वे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सर हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे इस सब्जेक्ट को बनाने में बहुत सहायता करते हैं। उन्होंने हमें तरीका बताया, हम बनाए और मेहनत करने पर कोशिश करने पर कामयाब। मैं ऐसे अपने में चित्र बनाता रहा, ये सब को हमारे स्कूल में करते रहते लोग। मैं चित्र बनाता हूँ, हमेशा जी कहते हैं चित्र में मैं बहुत जगह भाग लिया था, डॉट पर से आया था और सभी जगह भाग लेने का मेरा इच्छा है। मैं बस कला ही बनाता हूँ चित्र। हमारा लक्ष्य इंजीनियरिंग है, आगे चल के इंजीनियरिंग बनना है। CLM में देखिए, इसमें बेसिकली हम इसी चीज़ का है कि कम लागत में चीज़ों का प्रदर्शन करके बच्चों को हम कितना अधिक से अधिक ज्ञान दे सकते हैं। इसको शून्य निवेश नवाचार, क्योंकि मॉडल तो मार्केट में भी मिलता है किसी चीज़ को पढ़ाने लिखाने का, लेकिन वहाँ उस चीज़ की प्राथमिकता नहीं। यहाँ पे जो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो यूजलेस हैं, उन चीज़ों का प्रयोग करके हम बच्चों को सिखाते हैं, उनको सहायक सामग्री बना करके बच्चों को सिखाया जाता है। कितना बच्चों के लिए कितना लाभ? बहुत लाभकारी हो रहा है, बहुत सुधार हो रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, इसका लाभ बहुत है और इसका परिणाम बहुत सकारात्मक। बहुत कम समय में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है बेसिक स्कूलों में। तो माय नेम इज़ इन विच स्कूल बिलोंग टू मॉडल पीएस कोपागंज 2। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज़ अब्दुल हमीद। एंड मदर्स नेम? माय मदर्स नेम इज मरियम खातून। द ऑरेंज बॉल इज बिटवीन द चेयर एंड द बेड। द पिंक बॉल इज नियर द बेड। द ग्रीन बॉल इज अंडर द बेड। प्राइमरी विद्यालय के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ बदलाव आया है इस तरह की शिक्षा में? मात्र इंग्लिश ही नहीं, ऑलराउंड इम्प्रूवमेंट दिख रहा है।